देखो बेटा, हमें पढ़ना है बॉयंट फोर्स। क्या पढ़ना है? बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में सिंक कराते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या कराते हैं, सिंक कराते हैं, तो उस पर एक क्या लगता है? अपवर्ड फोर्स लगता है। उस पर क्या लगता है? एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितना होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, मतलब उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है? ये जो एरिया है ना, इतना लिक्विड उसने पानी हटाया, हाँ जितना लिक्विड हटाया है ना, ये हो गया डिस्प्लेस वॉल्यूम। अब इतनी जगह में जितना लिक्विड फिल होता है उसके वेट के इक्वल उसने बॉयंट फोर्स लगाता है। क्लियर है? तो इसलिए बॉयंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, या होता है रो वी जी। क्या होता है? रो वी जी। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। वी होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम। क्या होता है? डिस्प्लेस वॉल्यूम। और जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में? तो बॉयंट फोर्स जितना घेरा है उतनी डेंसिटी मानेंगे ना बेटा? डेंसिटी तो फिक्स ही होगी ना, उसने उतना वॉल्यूम, उतनी डेंसिटी नहीं, उतना वॉल्यूम, ठीक है। अब इधर देखो, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो, मान लो कोई एक लिक्विड है, मान लो एक ये लिक्विड है, ठीक है, ये एक लिक्विड है, किसी भी अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, नॉर्मली हमारी स्ट्रेटजी देखो, ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वे लिक्विड का, लिक्विड का पी वन है ना, और नीचे से प्रेशर लग रहा है पी टू। अच्छा, डेप्थ में ज्यादा प्रेशर होता है, ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है? डेप्थ में हैं, P2 ग्रेटर होगा P1 के। P1 से। अच्छा, प्रेशर लग रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसको हमने बोल दिया F1, और नीचे जो फोर्स लग रहा है F2। तो ऑब्वियसली प्रेशर, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो जो F2 होगा वो इक्वल टू होगा किसके? P2 into A, और आपका जो F1 होगा वो होगा P1 into A। Yes sir। बड़ा फोर्स कौन सा होगा? P2 बड़ा होगा। P2। Yes sir, P2 बड़ा होगा। P2 बड़ा है तो F2 भी बड़ा होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और अपोजिट साइड में, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। Yes sir। Yes sir। फोर्स क्या होगा? 2 - F1। अच्छा, पुट कर दो F2 P2 - P1। अच्छा, अब देखो, अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री करें। ये जो हाइट है, ये हाइट हम मानते हैं H1। कितना ले लिया हमने? H1। और ये वाली नीचे वाली हाइट है H2। कितनी है? H2 - H1। और यही हाइट हो गई इस ब्लॉक की H। मानते Yes, sir. तो अच्छा, ये बताओ, P2 जो है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया बाय लिक्विड प्रेशर। रो जी। P2 की बात करेंगे तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, और P1 कितना आ जाएगा? दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो P2 की होगी रो जी H2A माइनस रो जी H1A। कॉमन हो गया H2 - H1 को क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। और एरिया इनटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। आ गई बात सुन में? और यही सर, तो ये वेट बन जाएगा, यही हो गया बॉयंट फोर्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। आ गई बात समझ में? Yes sir। इसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट, और इसी को बोलते हैं लॉस इन वेट। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ वेट। लॉस इन वेट,
क्यों बोलते हैं ऐसा बताते हैं, ठीक है? ये बात आगे समझा दीजिए। सर क्यों बोलते हैं मैं बताऊं? उतना वेट कम हो जाता है, ठीक है? अब देखो ये चीज देखो, इसमें क्या नहीं समझ में आया, नीचे प्रेशर ज्यादा है तो नीचे से फोर्स भी ज्यादा होगा। बस हमने क्या निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल दिया हमने। बस क्या किया, नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स निकाला, फोर्स फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया, है ना? यस सर। प्रेशर की वैल्यू पुट कर दिया, बस कॉमन ले लिया, तो H2 माइनस H1 आपका हो गया H, आ गई बात? यस सर। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं सर, क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो आराम से सुनो, नोट करना है तो कर लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली और पार्शियली इमर्ज, सर आपका स्क्रीन पे लिख दो। अरे यार चलो सुन लो पहले, याद हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक लिख लेना। सुनो आराम से, नोट मत करना अभी, सुनो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। क्या बोला मैंने सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर इसकी कोई यूनिट होती है बॉयंट फोर्स की? नहीं होती बेटा, न्यूटन है तो न्यूटन। लेकिन अगर पानी की डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट से, वो तो ऑब्जेक्ट अंदर चले जाएगा। उसकी बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी जो बोला है वो सुनो। तो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन ऑब्जेक्ट इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लिक्विड, आ गई बात समझ में, ठीक है? अच्छा yes, हमने बताए थे फोर फैक्टर बॉयंट फोर्स के, है ना? यस सर आपने बताए थे। पहला क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड ऑफ लिक्विड, है ना? तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ेगा तो बॉयंट फोर्स उस बढ़ेगा। दूसरा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है? तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉयंट फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? जी बढ़ेगा तो बॉयंट सर बॉयंट फोर्स भी बढ़ेगा। और फोर्थ फैक्टर है टेंपरेचर ऑफ, टेंपरेचर, यस सर टेंपरेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड टेंपरेचर ऑफ। टेंपरेचर कैसे हो सकता है सर, इसका बताएंगे ना? सुनो टेंपरेचर बढ़ा तो, टेंपरेचर बढ़ा है तो डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। टेंपरेचर बढ़ता है डेंसिटी कम हो गई तो बॉयंट फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। सुन में ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा विद कॉज, है ना? कि बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। यहाँ तक आई बात सुन में? यस सर। सर आपसे इसको बताना मत, क्या सर आपको ये वाली स्क्रीन दोनों ही बताना मत, मैं लास्ट क्लास में लिखवाया हुआ है, लास्ट क्लास की वो जो डीपी सर, ये भी सर लास्ट क्लास में लिखवाया, उसमें अच्छा सा लिखा हुआ है, आज मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, है ना? क्योंकि लिखवाया हुआ है। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है सर? सर सर ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मतलब समझ सकते हो सर, वॉल्यूम में फिर क्या फर्क हो जाएगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम? जितना डूबा, जितना ऑब्जेक्ट हटा, जैसे इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जैसे मान लो ये है लिक्विड, ठीक है? तो यदि कोई ऑब्जेक्ट डूबा है तो इसमें से वॉल्यूम ऊपर उठेगा और बाहर निकलेगा। तो ये जो दिख रहा है ना डार्क वाला, ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। कौन सा वाला? डार्क वाला, ये वाला डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्लियर है? यदि हमने यदि हमने बोल दिया ये ले लिया तो इसमें डिस्प्लेस वॉल्यूम दिख रहा है, ये सर जो डार्क है, जो डार्क है, ठीक है? ये डिस्प्लेस वॉल्यूम मतलब जितना क्या है हटा है ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेस वॉल्यूम। क्लियर है? ये सर ये वाली, अब आ गया ये डिस्प्लेस वॉल्यूम। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट पूरा डूब गया, अब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा डूब गया, तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वही क्या है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। आ गई बात सुनिए, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑब्जेक्ट वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन कब, जब वो पूरा फुल्ली इमर्स हो चुका। आ गई बात सुनिए, ठीक है? यस सर। यस सर। अब मान लो
ऐसा आएगा। मान लो जैसे एक ये मान लो लिक्विड है ना, एक ब्लॉक हमने लटका दिया, सॉरी ब्लॉक डूब रहा था, है ना, ये ब्लॉक है, इसका वेट था 30 न्यूटन। कितना वेट था इसका? 30 न्यूटन। इस पे बॉयंस फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन का। कितना लग रहा था? 20 न्यूटन। ये डूबेगा या बचेगा? सर डूबेगा, 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 डूब जाएगा सर, डूब जाएगा सर। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या कर दिया? स्प्रिंग लगा दिया। तो स्प्रिंग में ऊपर कितना फोर्स लगाएगा इसको संभालने? 10 न्यूटन। आ गई बात समझ में? यस सर, यस सर। होगा 10 न्यूटन। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आ गई सबको? यस सर। चलो अब मान लो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस था और एक ब्लॉक था, है ना। ब्लॉक का रीडिंग था 30 न्यूटन। कितना था? 30 न्यूटन। अब हमने क्या किया, एक लिक्विड में इस ब्लॉक को डुबाने की कोशिश की। इस लिक्विड में क्या किया, इस ब्लॉक को डाल दिया, ठीक है। तो जब इस लिक्विड में डाला, इसकी रीडिंग हो गई 12 न्यूटन। कितनी हो गई? 12 न्यूटन। तो बॉयंट फोर्स आप बता सकते हो कितना लगा होगा? 18 न्यूटन। आ गई बस में? तो अब देखो सर कैसे, देखो बेटा, इसको संभालने के लिए 30 न्यूटन चाहिए था, क्योंकि इसका वेट कितना था? 30 न्यूटन। अब इसका क्या है, इसको कुछ फोर्स की हेल्प मिली, तो कौन कौन से फोर्स की हेल्प मिली? 12 न्यूटन और कुछ फोर्स की हेल्प मिली। तो अब कितना फोर्स हो गया? 18 30। नीचे कितना लग रहा था? 30। तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स इक्वल होंगे। ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं? स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर का लग रहा है, दोनों का सम तो 30 होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा, पहले वेट था 30, पहला कितना था वेट? 30। अब कितना शो हो रहा था? 12। तो कितना वेट कम हो गया? 18 न्यूटन। इसीलिए बोलते हैं जो बॉयंट फोर्स है वो कितना हो गया? 18 न्यूटन। और इसी को बोलते हैं लॉस इन वेट। क्या बोलते हैं? लॉस इन वेट, है ना, क्योंकि पहले वेट 30 था, स्प्रिंग भी एक्सर्ट कर रही थी और बॉयंट फोर्स भी फोर्स लगा रहा। पहला पूरा का पूरा लोड किस पे था? स्प्रिंग पे था। लेकिन क्या है, जब हमने क्या है उसको पानी में डुबाया तो थोड़ा सा हमें क्या मिला? बॉयंट फोर्स का। बॉयंट फोर्स, यस सर, तो कम हो गया उसका वेट सर, 18 न्यूटन का हमें बॉयंट फोर्स मिला। ये बता, अब ये आपको समझना है क्यों हुआ, क्योंकि अब बॉयंट फोर्स भी लग रहा है। आ गई बात समझ में? यस सर, यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे 5 मिनट बाद देना, ठीक है, जब मैं पूछूंगा। क्वेश्चन सुन लो। अच्छा, न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ में बोला था, क्या बोला था? बिल्कुल, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बॉयंट फोर्स का रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ये मुझे आप 5 मिनट बाद सोच के बताओगे, ठीक है, जब मैं पूछूंगा। आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का, नहीं, 5 मिनट बाद, ठीक है। बॉयंट फोर्स का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर 5-10 मिनट बाद जब मैं पूछूंगा, क्लियर है? तब तक सब लोग सोच रहे हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सर सोचना, सर कैन यू रिपीट? न्यूटन थर्ड लॉ में बोला है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मानते हो इस बात को? Yes, sir. तो बॉयंट फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए ना? यस सर। वो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, कहाँ होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक आप लोग उसको थोड़ा सा सोचो, ठीक है, और प्रेजेंट क्लास पे भी ध्यान दोगे। दोनों काम कर सकते हो एक साथ? यस सर। अच्छा, अब देखो एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सिंक हाइट एंड, सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है, टोटल हाइट। नो सर, सही है, ठीक है, क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन सिंक हाइट एंड टोटल हाइट, क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है?
रो वी जी अच्छा डिस्प्लेस वॉल्यूम यदि जीरो हो जाए तो बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो पक्का हो जाएगा ग्रेविटी का लग जाएगा इसका मतलब है कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट हो है ना यदि वो क्या कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे फ्लोट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर वाटर में क्या कर रहा है मान लो फ्लोट कर रहा है फ्लोट करेगा तो उसको बॉयंट फोर्स संभालेगा यस सर बॉयंट फोर्स और बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी बॉयंट फोर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए वी को कुछ न कुछ होना चाहिए जीरो तो नहीं हो सकता है ना मतलब कोई भी चीज थोड़ी तो डूबेगी चाहे कम डूबे या ज्यादा डूबे ठीक है यदि आपने थर्माकोल भी लिया तो वो भी क्या होगा थोड़ा सा तो जरूर डूबेगा क्यों यदि थोड़ा सा भी नहीं डूबा तो उसको क्या वी मिलेगा नो सर तो वी जीरो हो जाएगा वी जीरो हो जाएगा तो पॉइंट फोर जीरो हो जाएगा तो ऐसा हो सकता डूब जाएगा नहीं हो सकता इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा तो डूबना जरूरी है कोई कम डूबेगा कोई ज्यादा डूबेगा ज्यादा मान लो हम थर्माकोल को देखें तो सर हवा हाँ कोई भी चीज हो फुट भी देख सकते हो यदि हम एक बैलून भी डालेंगे एक बैलून को भी यदि पानी में रख दिया तो वो थोड़ा वो थोड़ा सा डूबेगा थोड़ा तो डूबेगा यदि थोड़ा सा भी नहीं डूबा तो डिस्प्लेस वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और डिस्प्लेस वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो बॉयंट फोर्स जीरो हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता और बॉयंट फोर्स जीरो हो गया हाँ बोलो बेटा सर अगर हमने कंटेनर के अंदर हवा रखी और पानी रखा तो सर हवा कैसे डूबेगी हवा क्यों नहीं डूब सकती सर एयर बेटा एक सर प्रेशर लगेगा ना एटमॉस्फेयर सुनो 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 आप क्या करो एक बोतल में पत्थर भर लो और ढक्कन बंद कर दो और डुबा दो तो बोतल डूब जाएगी ठीक है यस सर डूब जाएगी ठीक है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा वो चीज ठीक है तो हमें क्या निकालना रिलेशन बिटवीन सिंक हाइट एंड टोटल हाइट क्या रिलेशन निकालना है सिंक हाइट और टोटल हाइट जैसे मान लो ये कोई लिक्विड है ठीक है इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को डुबाया और वो इतना डूबा है सॉरी इतना डूबा है क्लियर है अब ये हमने ले लिया टोटल हाइट ले लिया h टोटल हाइट कितना है h क्लियर है कोई समस्या है नो सर जितना डूबा है वो हाइट है no, x तो ये हाइट कितनी है x ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a और इस ब्लॉक की डेंसिटी है रो b और लिक्विड की डेंसिटी है रो एल समझ में आया यस सर ठीक है अब देखो यदि इन फ्लोटिंग इन क्या है फ्लोटिंग हो रहा है तो फ्लोटिंग में कौन कौन से फोर्स इक्वल होंगे सो बॉयंट फोर्स सर बॉयंट फोर्स इक्वल नहीं होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वेट है वो किससे बैलेंस होगा बॉयंट फोर्स से होगा बैलेंस मानते हो इस बात से क्योंकि देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है मास नहीं कह रहे वेट कह रहे हाँ तो वेट ही तो होता है नीचे mg लग रहा है ऊपर क्या लग रहा है बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल होंगे यस सर अच्छा यस सर अब यदि हम ब्लॉक का वेट निकाले ब्लॉक का क्या निकाले वेट तो वेट इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ mg अच्छा, yes, sir. इस ब्लॉक का मास कितना होगा तो मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वेट और बॉयंट फोर्स इक्वल कितना जाएंगे बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट पे नीचे कितना एमजी लग रहा है इस ब्लॉक पर नीचे एमजी लग रहा है नहीं लग रहा है यस सर ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा है सर दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वल है क्योंकि देखो एमजी बड़ा होगा तो वो उसको डुबा देगा पॉइंट फोर्स बड़ा होगा तो उसको बाहर निकाल देगा लेकिन दोनों इक्वल है तभी तो वो रुका हुआ है क्लियर है फ्लोट कर रहा है हाँ है ना दोनों इक्वल है तभी तो वो फ्लोट कर रहा है मानते हो इस बात को यस सर हाँ देखो अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का वेट क्या निकालना है हमें एमजी निकालना है तो देखो मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यस सर तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसका ब्लॉक का है ना ऑब्जेक्ट का अच्छा वॉल्यूम का ब्लॉक है ना ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा एरिया इनटू हाइट एरिया इनटू
रो बी इनटू जी। इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। अच्छा अब बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स को हम अलग से निकाल लें। अच्छा बॉयंट फोर्स होता क्या है मुझे बताओ? रो बी जी। रो बी जी। हाँ वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। लिक्विड है ना। अच्छा पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कितना है? एरिया इनटू हाइट। तो देखो अब देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि डूबा तो इतना है, ये वाला एरिया डूबा है। एरिया इनटू एक्स। सर एरिया इनटू एक्स। ये वाला एरिया बेटा सिंक वॉल्यूम। यस सर। यस सर। वॉल्यूम मैंने लिख दिया एरिया इनटू एक्स। कोई समस्या है? नो सर। नो सर। नो सर। बेटा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है ना। वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ए इनटू एक्स इनटू रो एल। कोई समस्या है इसमें? नो सर। नो सर। देखो वॉल्यूम था, वॉल्यूम में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? डेंसिटी का। तो क्या मिल गया हमें? मास पता लग गया। अब हमें निकालना है वेट। तो वेट में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी तो और देंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी का नहीं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सर समझ में नहीं आया। बताऊंगा बेटा सुनो, इधर इधर देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बॉयंट फोर्स क्या होता है ये बताओ? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मानते हो इस बात को? ठीक है चलो एक डायग्राम फिर से बना लेता हूं मैं, है ना। तो ये वाली हाइट थी, टोटल हाइट कितनी थी? एच। और सिंक हाइट थी एक्स, है ना। ये एच है और ये आपका एक्स है ना। अब मुझे बताओ वेट निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। क्या निकालता हूँ? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अच्छा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ बताओ? x वॉल्यूम। ये वाला एरिया इनटू x। तो एरिया a है तो वॉल्यूम कितना? a इनटू x होगा। कोई समस्या है इसमें? नो सर। नो सर। नहीं है। अब हमें निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, मास। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू x इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका ले रहे हैं अपन? लिक्विड का। ब्लॉक का। लिक्विड का। लिक्विड की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आया मास? यस सर। अब हम निकालते हैं वेट। तो वेट कितना होगा? मास इनटू जी। तो मास कितना है? यस सर। एरिया इनटू डेंसिटी। और इसी को हमने क्या बोल दिया? बॉयंट फोर्स। आ गई बात समझ में? यस सर। सर अब इनको इक्वेशन में लगा। अब दूसरे तरीके से समझो डायरेक्ट। बॉयंट फोर्स क्या था? रो वी जी था। yes, sir. रो किसका था? लिक्विड का। तो वो हमने लिख दिया रो एल। जी तो जी था। डिस्प्लेस वॉल्यूम तो ये वाला है ना। यस सर। तो ये वाला कितना होगा? एरिया इनटू ए। यस सर। ए इनटू एक्स। तो देखो वही मिल गया। सबसे बढ़िया तरीका। आ गई बात समझ में? वही तो है देखो। yes, sir. ये और ये सेम ही तो मिला। ठीक है ये डायरेक्ट था, ये अपने स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। कितना मिला आपको बॉयंट फोर्स? ए एक्स रो एल इनटू जी। जी से जी मर जाएगा। ए से बचा क्या? एक्स इक्वल टू क्या बचा? एच रो बी। और एक्स इक्वल टू देखो क्या बचा? एच रो बी अपॉन रो ई रो एल इनटू एच। ये बचा। यस सर। तो यही काम का है, बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है। नो सर। सर वो सर डेरिवेशन याद रखने तो समझ भी आता है। यस सर। तो अब अपन इसी पे बात करते हैं। ठीक है। अब इसी पे हमें बहुत सारी चीजें करना है, वही इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। ठीक है। अब एक्स और एच याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है। ये है टोटल हाइट एच। ठीक है। और सिंक हाइट एक बार लास्ट पार्ट दिखा देंगे। दिखा देंगे यार। ये है एक्स और ये है H। ठीक है देख लो।
थैंक यू सर. ठीक है, तो देखो इसका डेंसिटी कितना था लिक्विड का, रो एल, ब्लॉक का था रो बी, और हमारा फॉर्मूला क्या आया, एक्स इक्वल टू रो बी बाय रो एल इनटू एच. ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, एक्स क्या है, सिंक हाइट. एक्स क्या है, सिंक हाइट जितना होना चाहिए, और एच क्या है, टोटल हाइट. टोटल हाइट इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, रो बी क्या है सर, ब्लॉक की डेंसिटी. ब्लॉक की डेंसिटी. और रो एल क्या है, लिक्विड की डेंसिटी. ठीक है, अच्छा अब बताओ x बड़ा होता है या h? चल h बड़ा, h बड़ा होगा, x h बड़ा होगा. ये वाली वैल्यू बड़ी है, हमें छोटी करना है. मतलब रो b बाय रो l ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लेस देन, लेस देन 1. लेस देन 1 होगा, लेस देन 1. मतलब ये कब होगा, जब रो b क्या होगा, छोटा होगा, रो l बड़ा होगा. छोटा होगा रो e से, है ना? इसका मतलब है फ्लोटिंग कब होगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो. हो गया प्रूफ? ओके सर. फ्लोटिंग कब होगा सर? सर फ्लोटिंग जब होगा जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो और ब्लॉक की डेंसिटी कम हो. और सब ब्लॉक की डेंसिटी कम हो. आ गई बात समझ में? ठीक है चलो. यस सर. तो एक रिजल्ट हो गया, और भी रिजल्ट हम निकालते हैं. फर्स्ट रिजल्ट समझ में आया गया? ठीक है, कि फ्लोटिंग कब होगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, है ना. चलो अब मुझे बताओ सेकेंड, यदि लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाओगे तो x की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? सर कम. सर कम होगी. सर कम होगी. x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. ठीक है, इसका मतलब है कि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, कम डूबेगा. उसमें क्या होगा, कम सिंक होगा. कम सिंक होगा. तो देखो ये मान लो क्या है, एक शिप है. ये क्या है, शिप है. शिप है. ये लाइट कलर है ना, ये सब. सर वैसे पांच सर आपकी वॉइस बहुत कम हो. बोल ही कम रहा हूँ. ठीक है, ये मान लो, समझ लो ये रिवर है और ये है आपका ओशियन. ये क्या है, ओशियन. ओशियन ओशियन का डार्क बना दिया. ठीक है, ओके. अब देखो, ओके सर. अब शिप जो है, ठीक है, ये आपका शिप है. अब किस में ज्यादा डूबेगा सर? रिवर. रिवर में. रिवर में. रिवर में. ठीक है सर, रिवर में वाटर कम होता है. हाँ, तो इसीलिए. नो सर, सर रिवर में रिवर की डेंसिटी कम है. रिवर में सर डेंसिटी कम होती है. ओशन में सॉल्ट वाटर डेंसिटी ऑफ रिवर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ओशियन या सी. ठीक है, तो सी में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा हो गई तो जो एक्स होगा रिवर में, है ना, रिवर में क्या होगा, ज्यादा होगा. आ गई बात समझ में? इसलिए ओशन में फ्लोट करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू टू रिवर. यस सर. क्रूज व्रूज सर. इसलिए सर डेड सी जो होते हैं सर, जिसमें ज्यादा सॉल्ट होता है. जो बेटा डेड सी होता है ना, उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. डेंसिटी ज्यादा की वजह से क्या होगा, ठीक है, हम भी फ्लोट हो सकते हैं. कोई भी फ्लोट होने लगेगा. कोई भी नहीं, रिलेटिवली ज्यादा बॉयंट फोर्स. ऐसा नहीं कि उसमें आयरन भी फ्लोट होगा, ऐसा नहीं है. स्विमिंग करना आसान होगा बिल्कुल. ठीक है, इधर देखो, अभी अपन करेंगे बहुत सारी चीजें. बता दो, देखो इधर सुनो. मान लो ये है नॉर्मल रिवर वाटर, ठीक है, और ये है डेथ सी. मान लो इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है. ठीक है, डार्क बना दिया. क्लियर है? अब इसमें क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. फ्लोट दोनों में फ्लोट कर रहा है ना. अब बताओ इसमें नीचे mg लगेगा, मानते हो लगेगा नहीं लगेगा? यस नीचे लगेगा mg. इसमें भी क्या लगेगा, mg. mg लगेगा. ऊपर दोनों में बॉइंट फोर्स रहेगा? यस सर. तो बॉइंट फोर्स तो रहेगा. बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी. रो वी जी. रो वी जी. ठीक है, जी तो सेम ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है. ठीक है, यस सर. जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा वो डोमिनेटिंग होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स तो उनको एमजी के इक्वली चाहिए ना. यस सर. यस सर.
तो देखो बॉइंट फोर्स तो हमें फिक्स चाहिए mg के इक्वल। अब जिसमें डेंसिटी ज्यादा मिल जाएगा उसमें हमें वॉल्यूम क्या चाहिएगा, कम चाहिए। उसमें क्या होगा, कम सिंक होगा। उसमें क्या होगा, कम सिंक होगा सर, डूबेगा कम। और इसमें क्या होगा, ज्यादा सिंक होगा, ज्यादा डूबेगा, मोर सिंक। आ गई बात सुन में, इसमें क्या होगा, यस सर कम डूबेगा, कम सिंक होगा। क्लियर है, अब हो गया क्लियर, यस सर। यस सर एक बार वो और बता दीजिए सर। अभी बेटा न्यूमेरिकल करेंगे सब आ जाएगा समझ में, ठीक है सर। फॉर ब्लैक बट अब देखो बेटा, डेंसिटी और ज्यादा हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ा दी, तो वॉल्यूम और चीज कम डूबेगी, तो आपको वॉल्यूम कम डूबना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इधर देखो कि मान लो एक टैंक बना लिया हमने, क्या बना लिया है, टैंक है ना। नॉर्मल यदि इसमें mg को बैलेंस करने के लिए, इस ब्लॉक को mg को बैलेंस करने के लिए इसको आधा इतना डूबना पड़ता था, है ना। और वैसे ही इस ऑब्जेक्ट में मान लो ये डेथ सी है ना, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसमें कम डूबना, कम डूबेगा, तो इसको कम डूबना पड़ेगा, मतलब ये सिचुएशन आ जाएगी कि उसको कम डूबना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में तो ऑब्वियसली अब मान लो एक में हम क्या है, पूरा गर्दन तक डूबे और एक में हम कमर तक डूबे, तो किसमें इजी है, कमर तक डूबने पे आप तैरने लग जाओगे, कमर में है ना, कमर से ज्यादा डूब ही नहीं सकते। लेकिन उसमें क्या होगा, आप नॉर्मली गर्दन तक डूब सकते हो, है ना, तो इसमें क्या होगा, लेस डीप होगा, क्योंकि इसमें बॉयंट फोर्स क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम कम होगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। ये है सिंक वॉल्यूम। तो यदि देखो बॉयंट फोर्स तो फिक्स चाहिए mg के इक्वल, है ना, तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ा दिया तो सिंक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम 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 हो जाएगा, कम हो जाएगा, सर बॉयंट फोर्स भी कम हो जाएगा इससे, बॉयंट फोर्स तो mg के इक्वल ही चाहिए ना, इक्वल चाहिए ना, यस सर, यस सर। वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड की है, हाँ डिस्प्लेस लिक्विड का है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट डूबा वो वाला वॉल्यूम है, ठीक है। डिस्प्लेस वॉल्यूम का मतलब है जितना ऑब्जेक्ट डूबा, क्योंकि जितना डूबा उतना ही तो डिस्प्लेस किया ना उसने, यस सर। तो वॉल्यूम जैसे किसी की बहुत ज्यादा कम होता है, क्या हो गया सर, वॉल्यूम कम होता है तो बॉयंट फोर्स भी तो कम होता है, क्या पागल हो जैसी बात कर रहे हो। आपको एक फिक्स फोर्स चाहिए, ठीक है, वो तो mg के इक्वल होगा ना, सुनो घटबड़ होती है, सुनो सुनो, आपको बोला घर से 100 रुपए दिया है ना, और बोला बेटा केले खरीद के ले आओ, अब तुम 50 रुपए किलो हो गए तो कितना होगा, 2 किलो खरीद पाओगे, और वही चीज यदि 20 रुपए किलो है तो कितना खरीद पाओगे, 5 किलो खरीदेंगे, पैसे तो उतने ही है ना, पैसे तो 100 ही है, तो समझो कैसे आप, भी तोड़ मड़ोड़ के 100 लाने हैं, 100 लाना है। तो अब देखो यदि आपको रेट बढ़ गई, ये इसका प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, और ये है अमाउंट। अब मान लो प्राइस बढ़ गया तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कम कम, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में तो 100 रुपए चाहिए ना, हाँ सर वो बात सर। अब मान लो प्राइस और ज्यादा बढ़ गया तो अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और यदि है ना, लेकिन आपको चाहिए तो 100 ही ना, यस सर। आ गई बात समझ में सर, जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वो कम डूबेगा उसमें, सर होगा वो 100, हाँ होगा, तो आपको बॉयंट फोर्स तो फिक्स चाहिए। अब चाहे आप उसको डेंसिटी से बढ़ा लो तो वॉल्यूम की कम जरूरत पड़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ा लो तो डेंसिटी की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाहिए तो आपको उतना ही ना बॉयंट फोर्स, ज्यादा थोड़ी मिल सकता है, हाँ mg के इक्वल चाहिए। आप चाहे वो वॉल्यूम बढ़ा के ले लो, चाहे वो डेंसिटी बढ़ा के ले लो, अब yes, जो दोनों चीज बढ़ा लो तो ऐसा थोड़ी होगा, वो तो अमाउंट तो फिक्स है ना, yes, sir. क्या बेटा बॉइंट फोर्स इंक्रीज हो जाता है यदि उसमें हमने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। अंडा खाते हो, अंडे को आप पानी में डुबाना, जो लोग खाते हो वो अंडे को पानी में डुबाना तो वो हो जाएगा डूब जाएगा, और लेकिन यदि आपने क्या किया उसमें सॉल्ट मिला दिया, पानी में सॉल्ट डाल दो फिर अंडे को डालो तो वो फ्लोट करने लगेगा, सर यहाँ पे सर अंडा पुराना जो खराब होता है ना वो ऊपर तैरता है, क्योंकि सर एयर पैकेट बड़ा हो जाता है अंडे का। अब देखो इधर पहले से हमने रिसर्च करके रखी है, सुनो इधर अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है सर, ये लिक्विड है और इसमें एक ऑब्जेक्ट डुबाया, ठीक है, इसका
हाइट था 12 मीटर, कितना था 12 मीटर, 12 मीटर. इसकी डेंसिटी था 800, 800 इसका 750 समझ लो, कितना था 750 केजी पर मीटर क्यूब. वाटर का डेंसिटी था 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो कितना हाइट आउटसाइड द वाटर रहेगा सर? पहले x निकालेंगे फिर 12 से माइनस करते सर 9 सर बाहर रहेगा 3 मीटर. बिल्कुल सही, बाहर 3 रहेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला किसका है? सिंक हाइट का है. हमारे पास फॉर्मूला किसका है? सिंक हाइट का. सिंक हाइट का फॉर्मूला क्या है सर? रो बी आएगा, रो बी अपॉन रो एल इनटू एच. एक्स कितना है हमें फाइंड करना है? ब्लॉक की डेंसिटी 1 अपॉन 1750 इनटू 12. सॉल्व करो सर, 3/4 इनटू 12 हो जाएगा, तो ये जाएगा 9. आंसर 9 मत कर दे. यस सर, क्योंकि ये सिंक है, आपको ये पूछा है. क्लियर है? 12 minus 9, 3. 9 over 3. 12 minus 9 है, ठीक है? हाँ, ठीक है? क्लियर है इसमें? ठीक है? Yes, अच्छा, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. बताएंगे उसका आंसर. सोचना भी गलत बता रहे हो सब लोग. अब देखो, अब मेरे को ये बोला है कि टोटल हाइट दी हुई है 20 मीटर. कितना दिया हुआ है? 20 मीटर. इसकी डेंसिटी है, ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है. और ये डूबा हुआ है 12 मीटर, ठीक है? तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक. फाइंड सर वाटर की क्या है? 1000 ही होती है. बाहर निकाल दूंगा मैं, तो पता है. हाँ. सर ब्लॉक की डेंसिटी क्या है? फाइंड करनी है की डेंसिटी. सर 600 हो जाएगा. देखते हैं ना, x कितना दिया हुआ है? 12. लिक्विड कौन सा है? वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1000. और हाइट कितनी दी है? 20. कितना होगा? 1/50 में कैंसिल होके उस तरफ 50 मल्टीप्लाई जाएगा 600. केजी पर मीटर क्यूब. किसी को कोई समस्या? नो सर. अगला क्वेश्चन करो, ठीक है? जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसकी हाइट है? x है सिंक हाइट, जितना डूबी हुई हाइट है. क्लियर है? सर फ्लैशलाइट क्या हो गया? लास्ट लाइट का स्क्रीनशॉट लेना. यही तो है लास्ट. अबे भेज दूंगा मैं सब. यस सर, आज नोट भेज देना सर, क्योंकि आज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. देखो अब है ना, क्वेश्चंस करते जाओ, सब आ जाएगा समझ में, लेकिन ध्यान रखना. अब मान लो बोल दिया टोटल हाइट, टोटल हाइट बोल दिया आपको, मान लो 15 मीटर. कितना बोल दिया? 15 मीटर है ना. और ये फ्लोट कर रहा है 3 मीटर, ये है वाटर. तो अब बताओ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक सर. सर इस बार भी आ गई सर 200 सर. आ गई सर, आ गई. केजी सर 200 केजी मीटर क्यूब. अगला गए हो सर? 800 सर केजी मीटर क्यूब. हां हां 800 आ गई. जरूरी नहीं है ना, थोड़ा सोचो. x क्या है? 15 - 3 = हो जाएगा. x 12 है सर. x 12 बेटा, देखते नहीं हो क्या? आंखें पे पट्टी बंधी है. 800 है क्या? हाँ, तो सिंक कितना है? तो 12 मीटर. 12 मीटर. तो 12 इक्वल्स टू रो बी बाय रो एल इनटू एच. अब पुट करो, वैल्यू आ जाएगा कितना? 800 केजी मीटर क्यूब. 800 सर. तो बेटा ऐसा ध्यान दिया करो ना यार, थोड़ा सा ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? अच्छा, अब यदि बोला है
डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब बताओ सर कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया यार सर उसकी सर वेरिएबल तो दिया होगा तो लिखा है 1750 हां 750 हां ठीक है देखो बेटा चलो डायग्राम बनाया सबने बना लो यार यस सर बना लो अभी शुरुआत तो सर मैंने h मान लिया था हाइट को 750 आ रहा है 750 आ रहा है रो तो देखो टोटल हाइट कितनी है h है टोटल हाइट कितनी है h कितनी है बेटा h सर वाटर की डेंसिटी 1000 ले लेंगे ना अच्छा 1/4 आउटसाइड है तो ये वाली हाइट कितनी है 3/4 इनसाइड होगा 3/4 इनसाइड अब ये बात बेटा ये बात पूछना सर ऐसा क्यों हुआ है ना सर डेंसिटी ऑफ वाटर सर डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें 3/4 तो हमारा काम हो गया x इक्वल टू क्या होता है सर रो बी अपन रो एल इनटू एच तो x हमें फाइंड करना है ब्लॉक की डेंसिटी हमें सॉरी x पर x तो पता है ना 3h/4 पता है शांति 3h/4 गलती हो जाती है यार मुझसे सॉरी सर रो बी रो एल कितना है 1000 है इनटू h कितना दिया हुआ है h h से h h मार गया है ना तो रो बी आ गया 1000/4 4 से 1000 कैंसिल होके हो जाएगा और फिर उसको 3 से इनटू कर देंगे आगे मैं किसी को कोई समस्या है सिंपल सा अब हम और ज्यादा आते हैं अब यदि कोई बोल दे ऑब्जेक्ट 30% सिंक कर रहा है कितना कर रहा है सर उसको हम 30/100 लेके कर बिल्कुल 30% क्या हो रहा है सिंक तो देखो x इक्वल टू क्या होगा 30/100 है ना इनटू h तो मैं x को लिख सकता हूँ 30% 0.3h यस सर यस सर सर 3/10 के साथ रो एल कितना है 1000 इनटू कितना हो गया h तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा रो बी कितना आ जाएगा सर 428 आ जाएगा समझ पगला पगला गए हो 400 300 आ जाएगा ठीक है तो 30% है तो 300 आ गया यस अब कुछ लॉजिक क्लियर हुआ टोटल हाइट का 30% तो 0.3h लिख सकते हैं 30% को ऐसा लिखते हैं ना बेटा 30/100 इनटू h तो वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 3.8 सर सर इससे अच्छा सर डायरेक्ट ही कर लो सर उसको 0.3 तो बोला ठीक है अब देखो 30% है ना अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कोई ऑब्जेक्ट बोला है 60% फ्लोट कर रहा है क्या कर रहा है 60% फ्लोट कर रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ सर पॉइंट सर वो फिक्स है सर उसका एंटर इनसाइड 60% सिंक कर डेंसिटी सर उसकी डेंसिटी 400 आ जाएगी 400 आ गई बात सुन में यस सर अब क्लियर हो गया हां सर यस सर क्लियर 20% फ्लोट कर रहा है सर 800 सर सर लेकिन ये 10 मतलब सर तब वाटर करेंगे तभी करेंगे ना मतलब हाँ वाटर हाँ वाटर की डेंसिटी मानकर करते हैं इसलिए तो ये कितना हो जाएगा 80% क्या हो रहा है सर 800 सिंक डेंसिटी कितना हो जाएगा 800 ठीक है अब देखो हमेशा लिक्विड वाटर हो बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं है लेकिन लिक्विड नहीं होगा तो वो डेंसिटी मेंशन करेगा हाँ तो मेंशन करेंगे है ना जैसे बोल दिया ओशियन है तो उसका 1200 लेके यदि दिया हो तो वही प्रोसीजर कर सकते हो जैसे क्वेश्चन करो यस सर एन ऑब्जेक्ट इज 40% आउटसाइड ऑफ ब्रायन ठीक है डेंसिटी दिया हुआ है ब्रायन क्या होता है जो भी दिया हो मतलब ब्रायन के अंदर ठीक है फाइंड डेंसिटी ऑफ ब्लॉक सर आ गया 720 आ रहा है सर 720
अब देखो कैसे किया पहले अपन ने यस सर 720 पहले क्या निकाला अपन ने सिंक निकाला क्या निकाला सिंक तो कितना 60% आ गया मतलब लिख सकते हैं 0.6h यस सर हमारा वही फार्मूला x इक्वल टू रो बी बाय रो एल इनटू h x की वैल्यू कितनी है 0.6 रोयल कितना है उड़ जाएगा सर 100 सर एच मर गया बेचारा तो रो बी इक्वल्स टू आ गया सर ये 720 ये समझ सर ब्राइन क्या बोल रहा है सर ब्राइन ब्राइन एक लिक्विड होगा लिक्विड है तो इंटेंसिटी दिया है ओके सर गुड ठीक है लिक्विड का कोई भी नाम दे दिया यार ना ओके सर जू हाँ लेमन जूस लिख दिया तो तुम्हें क्या मतलब है उसकी डेंसिटी से मतलब है ना यस सर लेमन जूस काम का माल तो आगे हाँ ठीक है उससे क्या मतलब है तुम्हें कुछ भी हो क्लियर हो गया आप हाँ सर यस सर यस सर क्लियर हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन किया करो थोड़ा सा वेट किया करो सब चीज आएगा समझ में सर डरा मत करो ठीक है अब देखो अब आते हैं फ्लोटिंग क्या आते हैं हम फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग कब होता है जब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कम हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से आ गई बात समझ में ठीक है और फ्लोटिंग के केस में क्या होता है फ्लोटिंग में होता है कौन कौन से फोर्स इक्वल होते हैं बॉयंट फोर्स इक्वल होते हैं ठीक है अच्छा अब हम तीन ऑब्जेक्ट लिए हमने एक ए लिया एक बी लिया एक सी ले लिया है ना और एक डी एक चलो बस अब चलो अब इनके बारे में अपन बातचीत करते हैं इनके बारे में क्या करें बातचीत करें अच्छा इसमें हम बोल सकते हैं इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि जो बॉयंट फोर्स है सर वो एम जी से थोड़ा सा लेस है जो है वो बड़ा यस सर सर कब आऊं क्या लेकिन क्या जा तो थोड़ा अगर तेरा अपना लाया गुस्सा हो रहा है सर पता नहीं मैं सिंह कुशवाहा बहुत गुस्से वाली है ना सर फूट जाएगा चलो आ गई बात समझो बेटा ये अच्छा इस केस में बताओ सर दोनों इक्वल है एम जी जो है सर दोनों इक्वल है पॉइंट फोर्स के इक्वल है और इसमें भी क्या है ये दोनों क्या है फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोटिंग के केस में बॉयंट फोर्स और एमजी दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं सर अगर अपन लिक्विड के बीच में ले तभी दोनों इक्वल होंगे हाँ ठीक है अब इधर देखो इसमें क्या है कि देखो x और h में से बड़ा कौन है x इक्वल टू h है यस सर देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है तो वो क्या होगा जस्ट फ्लोटिंग होगा क्या होगा जस्ट फ्लोटिंग मतलब वो उसके सर्फेस के नीचे फ्लोट ठीक है हाँ जैसे आप प्लास्टिक की बोतल में पूरा पानी भर के फ्लोटिंग मतलब जस्ट मतलब सरफेस के जस्ट ऐसा रहेगा ठीक है यस सर ठीक है जैसे आप क्या करो एक बोतल सुनो एक बोतल है पानी की बोतल में क्या करो पूरा पानी भर दो और पानी में डाल दो तो वो जस्ट मतलब सरफेस पे थोड़ी सी अंदर रहेगी ठीक है इसमें क्या होगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो क्या है कम है पानी भर के लिक्विड के ठीक है ठीक है आ गई बात समझ में यस यस सर अब एक बात बताओ मुझे कि जो आपका शिप होता है शिप किसका होता है मेटल आयरन का होता है मोस्टली है ना यस सर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है यस सर फिर भी तो फ्लोट ही करता है वो बस फिनलैंड बॉडी है क्योंकि उसका सर उसका सीपी फिर दिए नहीं तो बेटा ये डेंसिटी नहीं बेटा उसको हम क्या बनाते हैं ये जो डेंसिटी है ब्लॉक वो कौन सी है एवरेज डेंसिटी है वो क्या है एवरेज डेंसिटी है ना तो जब भी हम शिप बनाते हैं तो उसपे जो मटेरियल है मेटल वो कहाँ यूज हुआ है जस्ट उसके आउटर में यूज हुआ है अंदर तो पूरा खाली है ना
अंदर तो पूरा क्या है सर, अंदर खोखला है, अंदर है ना, जो मटेरियल यूज हुआ है इसलिए। तो जो शिप को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसकी जो एवरेज डेंसिटी होगी सर वो वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, वो क्या होगी, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। आ गई बात समझ में? तो इसलिए टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसलिए जो शिप को डिजाइन करते तो अंदर क्या करते हैं, बहुत सारा होलो स्पेस होता है उसमें, ठीक है। उस होलो स्पेस की वजह से उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, वॉल्यूम सर वो नीचे पार्ट में, हाँ, और वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर है। इसलिए वो फ्लोट करता है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ओशन है ना, जो शिप होता है वो तो आयरन का होता है और आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, फिर भी वो फ्लोट कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। कम हो अगर इसका थोड़ा पार्ट हम सिंक तो करके रखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यदि आप थोड़ा सा एक आयरन का लोगे तो वो तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी का आयरन का मान लो एक बॉक्स बना लिया तो हो सकता है कि वो क्या करे, फ्लोट करे। क्लियर है? ऐसी कोई चीज जैसे हम पानी में डालें तो बीच में ही रुक जाए सर, तो सबमरीन कैसे वर्क करती है, मतलब मनमर्जी जब पानी में जाए जाए और ऊपर आए? नहीं, अंदर क्या होता है, एयर बैग होते हैं। क्या होते हैं? एयर बैग्स होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे मान लो यहाँ से जैसे उन्होंने किया, एयर बैग फूल गया तो एक और बैग बन गया एयर का, तो जैसे ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। yes. तो अब समझ में आया क्यों सिंक करता है, ठीक है। हाँ, सबमरीन भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सबमरीन भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है पहले वाली पर। लेकिन जो सबमरीन होता है, ठीक है, सबमरीन में क्या होता है, अंदर क्या होता है, जैसे एक एयर बैग समझ लो, एक बैलून समझ लो, क्या समझ लो, एक बैलून होता है नीचे, जैसे ही उसको ऊपर लाना होता है उस बैलून में क्या कर देते हैं, हवा भर देते हैं, हवा भर देते हैं, जैसे वो फूल गया उसने डिस्प्लेस वॉल्यूम को क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, तो वो ऊपर आ गया, डेंसिटी कम हो गई, वो ऊपर आ गई बस में, तो उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, क्लियर है। हाँ सर। सर आपने सर बियॉन्ड फोर्स का सर रिएक्शन फोर्स नहीं पूछा, आप पूछने वाले थे। हाँ, अब बताओ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो वो तो ग्रेविटेशनल ही होगा। देखो एक एग्जांपल से समझो सर, कहीं वो डिस्प्लेस मुझे बार-बार लग रहा है, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हो जाते हैं वो उसका रिएक्शन तो हुआ। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, एक नॉर्मल बात बताओ मुझे, ठीक है। मान लो आपके पास एक बकेट है, क्या है, बकेट, कोई समस्या है बकेट लेने में? नो सर, कोई समस्या नहीं। एक बकेट है ना, इसमें लिक्विड भरा है, वाटर भरा है, ठीक है। यस सर। इसमें था 10 केजी का लिक्विड, कितना था, 10 केजी का। अब इसको आप उठा रहे हो, है ना। अब मान लो इसमें मैंने एक 2 केजी की पानी की बोतल डाल दी, कितने केजी की, 2 केजी। अब 2 केजी तो वाटर में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट। यस सर। तो आपको वजन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, मास तो कंजर्व रहेगा ना। क्यों? क्योंकि देखो इसको उठाया तो आप ही ने, तो ऐसा थोड़ी, इसको जितना फोर्स इसने सपोर्ट किया उतना ही फोर्स इस पे रिएक्शन के ऊपर लग जाता है, मतलब इस बकेट का। पहले आपको उसको उठाने में कितना लग रहा था, 10 लग रहा था, अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 12 किलो 12 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। क्योंकि इसको ब्लॉक को किसने उठाया, वाटर ने, और वाटर ने भी आपको उठाया, ठीक है, आपने वाटर को उठाया। जैसे मान लो, समझ लो कि मान लो कि आपने अपने छोटे कजिन को उठा लिया, क्लियर है। हाँ। अब मान लो उसने 2 केजी का कोई खिलौना रखा है, तो उसका आपके ऊपर वजन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा, पड़ेगा सर। अब यदि वो कजिन बोल दे कि उसको आपने थोड़ी उठाया, उसको तो मैंने उठाया है, तो उससे बोलेंगे लेकिन तुमने उठाया है, तो बिल्कुल। हाँ, ओवरऑल तो आप ही ने उठाया है ना, इसीलिए। मान लो यहाँ पे एक वेसल है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, ये वेसल, इस वेटर में लिक्विड भरा हुआ है ना, और इसका वेट था, जो स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ है, इसका रीडिंग था 10 केजी, कितना था, 10 केजी, और यहाँ पे एक ये ब्लॉक है ना, ये है, इसका वेट है 2 केजी, कितना है, 2 केजी, ठीक है, इसका है 10 केजी, है ना, स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्या किया हमने,
कि मशीन कौन सा कलर से बनाई थी। हाँ ये थी मशीन, तो ये है ठीक है आपका, ये भी यही है, कलर चेंज हो गया लेकिन वही है ना लिक्विड। अब इस ब्लॉक को हमने थोड़ा सा डुबा दिया, इस ब्लॉक को क्या किया थोड़ा सा डुबा दिया। तो इसकी जो रीडिंग थी वो हो गई 0.5 kg। कितनी हो गई? 0.5 kg। तो बताओ बॉयंट फोर्स कितना लगा इस पर? 1.5 kg लगा। मतलब 1.5 kg किसने उठाया? लिक्विड ने उठाया, लिक्विड ने। यस सर। तो अब बताओ इसकी जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 11.5 kg। शुरुआत से देखो आ गया बताया था देखो सर टू केजी। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू अलग थी। ठीक है सर। सर ये जो सर ये मतलब चैप्टर 11th क्लास में है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सर उसमें है आपके आईजीएसओ में आया था सेम क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, वैल्यू अलग था, बस यही है। क्लियर है सर? रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा? रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, उस जितना फोर्स, सुनो, जितना फोर्स लिक्विड ने ब्लॉक पे लगाया उतना ही फोर्स ब्लॉक ने लिक्विड पे लगाया। यस सर। यस। तो उस जितना फोर्स उसने लिक्विड ने लगाया उससे क्या हो गया, उसका वेट बढ़ गया। क्लियर है? जितना फोर्स, देखो जितना फोर्स लिक्विड ने ब्लॉक पे लगाया उतना ही फ्लोर ब्लॉक ने लिक्विड पे भी लगाया। यस सर। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका वेट बढ़ गया नीचे की तरफ। ठीक है। यस सर। आ गई बात समझ में? सर कहेंगे क्या सर इसे, सर स्पेसिफिक वर्ड यही है ना, रिएक्शन फोर्स से उसका लिक्विड का वेट बढ़ गया। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स कहाँ लगता है? बॉटम में लगता है। कहाँ लगता है? बॉटम में। बॉटम में लगता है, जिससे क्या होता है उस लिक्विड का वेट बढ़ जाता है। तो अब आए इस बात समझ में कि यदि एक बकेट में आपने 2 kg का कोई पानी के वाटर रख दिया, अब उठाओगे तो आपको उसका भी वेट उठाना पड़ेगा। ये मत सोचना उसको तो बॉयंट फोर्स ने उठाया है ना। यस सर। उसको तो बॉयंट फोर्स ने उठाया तो हमें तो बस 10 उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, नहीं तो हम थोड़ा सा पानी भर के सर बहुत सारी बॉटल डाल देते। हाँ सर, ऐसा तो फिर होता ही वेट महसूस होता, कितनी भी बॉटल डाल दो।